सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज हिमांशु पटेल एंड आज हम बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, व्हाट इज एन एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था, मुझे पर्सनली मैसेज भी आए थे कि आप कैसे बिजनेस कर रहे हो, क्या बिजनेस कर रहे हो ऑनलाइन, आपको इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है वगैरह वगैरह। तो चलो आज बात करते हैं कुछ डीप में। सो व्हाट इज एन एफिलिएट मार्केटिंग। जी यस, आप खुद भी अभी एफिलिएट मार्केटर, कई बार आपने एफिलिएट मार्केटिंग की पर आपको पता नहीं है। जी हाँ, ने आपको पता होगा कि आपने कभी भी एक बार आपको अपने कोई भी फ्रेंड को किसी दूसरे फ्रेंड की शॉप पे जाने के लिए सजेस्ट किया होगा कि जाओ वहाँ पे जाओ, मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट देता है, कपड़े की दुकान हो या शूज़ की दुकान हो या फिर हेयर कटिंग सैलून है, राइट। तो वही एफिलिएट मार्केटिंग है। यस, सो चलो थोड़ा डीप में बताता हूँ कि आप एज एन एफिलिएट मार्केटर प्रोफेशनली कैसे वर्क कर सकते हो और आप उससे पैसे कैसे कमा सकते हो, राइट। चलो, तो आप एज एन एफिलिएट मार्केटर किसी ब्रांड के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि मैं एज एन एफिलिएट मार्केटर आपके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, आप मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करवाऊँगा, आपकी प्रोडक्ट प्रमोट करूँगा। फ़ायदे तो ब्रांड को ही है कि आप उनके लिए काम कर रहे हो, राइट। तो ब्रांड आपको एक पर्टिकुलर लिंक देता है, यूनिक लिंक, एफिलिएट लिंक बोलते हैं उसको। वो लिंक आप प्रमोट कर रहे हो, ब्रांड की कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई ब्रांड को ही प्रमोट कर रहे हो, तो वो ब्रांड, वो लिंक से आप जितने भी ऑडियंस कवर कर रहे हो, आप वो लिंक प्रमोट करोगे, ऑडियंस कवर होगी, वो ऑडियंस डायरेक्टली ब्रांड के पास जाएगी वो लिंक के थ्रू, राइट। वो जो भी परचेज करेंगे उसमें से ब्रांड आपको एक कमीशन देता है, पर्टिकुलर कमीशन देता है, 2%, 5%, 10% होता है, कई बार 50%, 80%, 90% भी होता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज़ एन एफिलिएट मार्केटिंग। सो बात करते हैं आगे कि कौन सी साइट पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो एज स्टार्टिंग लेवल में, आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो। सबसे बड़ी कंपनी है अभी amazon.com, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ बट आप एज ट्राई कर सकते हो, ट्राई के लिए कि कैसे होता है एफिलिएट लिंक, कैसे मिलती है वगैरह वगैरह। तो एफिलिएट अमेजोन पे आप जाओगे, अमेजोन एसोसिएट का प्रोग्राम है, वहाँ पे आपको एफिलिएट की लिंक मिल जाएगी और आप जब भी एफिलिएट मार्केट उसकी कोई भी प्रोडक्ट की लिंक आप जनरेट करोगे और वो आप प्रमोट करोगे, किसी ब्रांड को भेजोगे या फिर कहीं पर भी, तो वहाँ से जो भी परचेस करेगा आपकी लिंक से उससे आपको कमीशन देगा अमेजोन, वो कम ही होगा। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, कुछ बहुत सारी साइट्स है जो ई कॉमर्स में है वो साइट्स कर रही है एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम रन, ईबे है, फिर शॉपिफाई है और डिजिटल प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा कमीशन डिजिटल प्रोडक्ट में मिल रहा है। तो डिजिटल प्रोडक्ट में है जेवीजू है, क्लिक बैंक है, बहुत सारी कंपनी है, तो आप वहाँ पे भी वर्क कर सकते हो। सो चलो बात करते हैं कुछ एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। आपने लिंक तो जनरेट कर ली, बाद में आप उसको प्रमोट कहाँ पे करोगे, राइट, आपको ऑडियंस कहाँ पे मिलेगी। तो चलो, पहली बात तो आपके पास बहुत सारी ऑडियंस है, आपको पता होगा कि फेसबुक पे कितने सारे लोग हैं, राइट। तो वहाँ पे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो, पेड एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो, दैन कॉलैब कर सकते हो, किसी बहुत बड़ा पेज है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसके साथ आप कॉलैब करके आपकी प्रोडक्ट सेल करवा सकते हो। देन आपको आना चाहिए फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे आपकी प्रोडक्ट शेयर करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपको वो चीज़ आनी चाहिए, कैसे प्रमोट करते हैं, राइट, वो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। तो एक और चीज़ है, आप ब्लॉगिंग करके भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप उस पे आर्टिकल लिखिए, उस प्रोडक्ट के बारे में बताइए लोगों को। आपके अगर आपके ब्लॉग पे बहुत सारी ऑडियंस हैं तो फिर वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा सेल्स होगी, बहुत ही ज़्यादा कमीशन जनरेट कर सकते हो वहाँ से। फिर एक है यूट्यूब पे भी बहुत सारे बंदे कर रहे हैं अभी,
आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिखा होगा कि मैं गियर में मैं कौन सा कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, मैं कौन सा माइक यूज़ कर रहा हूँ, मैं कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ से परचेस कीजिए। एंड वो सारी की सारी एफिलिएट लिंक है, वो डायरेक्टली आपको वो पेज पे अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे वो जो भी साइट के हैं लिंक वहाँ पे भेज देती है और वहाँ से आप परचेज करोगे तो वो यूट्यूबर जिसने भी ये लिंक जनरेट की हुई है उसको उसका बेनिफिट उसका प्रॉफिट उसको मिलेगा डायरेक्टली। ओके सो तो आप समझ गए होगे कि एफिलिएट मार्केटिंग की प्रोडक्ट का लिंक है जो कहाँ पे प्रमोट करना है। सो चलो बात करते हैं आगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ओके तो एक ना एक ये इजी टू यूज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता कि नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप 17 साल के हो या फिर 50 साल के हो आप कर सकते हो इसे, आपको बस सोशल मीडिया यूज़ करना आना चाहिए, वो सबको आता है। आज के दौर में सब यूज़ करते हैं, फेसबुक सारे के सारे लोग यूज़ करते हैं और इंस्टाग्राम सारे के सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो एक इजी टू यूज़ है और दूसरा है आप इसको कहीं से भी काम कर सकते हो। आपके पास अपना मोबाइल होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, बस ये चीज़ें हैं आपके पास, तो आप कहीं से भी वर्क कर सकते हो। आपको कहीं पे जाने का कोई मतलब दिक्कत नहीं होती, आप कहीं बाहर गए हुए तो भी आप कर सकते हो, आपके पास ये तीन चीज़ें होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ। ओके सो आगे है आपको कोई इसका डोर टू डोर घर घर जाके नहीं बेचना है, वो सबसे बड़ी लोगों को नहीं अच्छा लगता है कि घर घर जाके हम कैसा बेचेंगे, वो MLM वगैरह में होता है, राइट। तो वो नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल ऑनलाइन ही वर्क होता है, आप कहीं से भी कर सकते हो घर पे ही बैठ के। ओके ये कोई MLM बिजनेस नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत बोलते हैं कि एक MLM है, ये चैन मार्केटिंग है, यहाँ पे है वो बेचना है वो वगैरह सेलिंग वगैरह, नहीं ये वो नहीं है। आप जितना भी आप प्रमोशन अच्छे से करेंगे, जितना भी आपको सेल्स मिलेगी वहाँ से प्रमोशन पे से, उतना आपको रेवेन्यू होगा। नहीं आपको कोई एक को एक दो को जोड़ता है, दो और दो को जोड़ता है, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं आती, वो नेटवर्क के हिसाब से होती है। आपका नेटवर्क कितना बहुत बड़ा है, आप जितना MLM में वही होता है कि नेटवर्क जितना बड़ा होता है वहीं से आपको जनरेट इनकम होती है, वो सब में बढ़ता है, एक लेवल पे दूसरे लेवल पे तीसरे लेवल पे सातवें लेवल तक भी कहीं कहीं में बढ़ उसका प्रॉफिट उसका कमीशन जाता है, वो चीज़ नहीं है ये। ओके सो एक आप इसको साइड इनकम सोर्स के हिसाब से भी कर सकते हो, आप अगर जॉब कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो, साइड में 5-10-15-20 हज़ार तक आपको मिल जाता है एक या दो घंटे देने दिन के। कोई कोई ऐसे प्रोग्राम भी है प्राइवेट की जहाँ पे आप पैसिव इनकम भी जनरेट कर पा रहे हो कर सकते हो, राइट। आपको पैसिव इनकम भी मिलेगी यहाँ पे। पैसिव इनकम ये चीज़ है कि आप काम पे नहीं हो, जॉब में एक दिन नहीं जाओगे तो उसकी सैलरी कट जाएगी, इसमें आप काम पे नहीं हो, पूरा दिन काम ही नहीं किया, कहीं घूमने चले गए वगैरह वगैरह, तो भी आपको इनकम जनरेट हो रही है, तो उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। ओके तो आगे बात करते हैं कॉन्स। इसके कोई कॉन्स तो ज़्यादा नहीं है बट कई सारे ऐसा है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, फ्री एफिलिएट मार्केटिंग वर्कर्स एफिलिएट मार्केटर वर्क कर सकते हो आप वहाँ पर। आप जितना भी आपको कोई सिखाएगा नहीं कहाँ पे जनरेट करना है, कहाँ पे लिंक लेना है, वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, पर आपको ये नहीं सिखाएगा कि कैसे सेल करना है, इसे कहाँ से ऑडियंस मिलती है वगैरह वगैरह, वो सिर्फ लिंक दे के छोड़ देता है, राइट। तो वो चीज़ आपको नहीं सीखने को मिलेगी, और फ्री है तो उसमें कमीशन भी बहुत ही कम होगा, 2% या 3%। 100 रुपये के शूज़ बिकवाए आपने और आपको 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपीज़ का कमीशन मिल रहा है, कोई नहीं करेगा ना इतना वर्क। तो आप मैं प्रीफर करता हूँ कि आप कोई भी कुछ पेड्स हैं वो जो पे करके कर रहे हैं अभी, वहाँ पे जाओ, आपको एक मेंटरशिप भी मिल सकती है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और आपको कमीशन भी बहुत ज़्यादा मिल रही है वहाँ पे मिलेगी। तो आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और हाँ आप खुद एक एफिलिएट मार्केटिंग वो मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। एंड आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना यार। अभी अभी नया बनाया हुआ है, ग्रो करना है थोड़ा बहुत इसमें, प्लीज़ कर दो। और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगर आपको नॉलेज मिली है तो किसी और को भी मिल जाए, क्या पता उसके लिए वो ये बहुत हेल्पफुल हो, वो उसको कुछ अर्निंग का सोर्स मिल जाए, वो ढूंढ रहा है और नहीं मिल रहा है उसको, तो ओके। सो टेक केयर एंड बाय, ऑल द बेस्ट।